दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बॉयज़ के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन समस्या कैसे ठीक किया जाता है। तो हमारे पास एक पेशेंट सामने बैठे हुए हैं, आज से कुछ महीने पहले ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन समस्या लेकर हमारे पास आए थे। हमसे मिलने से पहले कई और डॉक्टर जो नीम हकीम डॉक्टर इनको लूट भी लिया था, ठग लिया था। तो हम पहले उनकी कहानी सुनते हैं कि उनको तकलीफ क्या थी और कैसे ठीक हुए, फिर हम आपको डिटेल बताएंगे कि प्रॉब्लम कैसे जड़ से ठीक किया जाता है। तो ये भी भाई इसे बोलिए बोले बताइए पहले तो क्या ना, मेरी जब नई नई शादी हुई थी तो उसके एक दो हफ्ते स्टार्टिंग के दिन में मेरे को ठीक लगा। ठीक लगते लगते फिर मेरे को ना ऐसा लगा जैसे कि रोज़ रोज़ करने से ना मेरे मन में पता नहीं क्या आ गया कि रोज़ रोज़ करने से शायद कोई कमजोरी या कुछ आता है। तो ये सोचते सोचते क्या हुआ, मेरा जो इरेक्शन है वो थोड़ा लूज़ होने लग गया। तो मेरे को एक बार लगा, मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि क्या बोलता, कोई दिक्कत है, वो बताती थी शर्मा के बताती थी, लेकिन धीरे धीरे करके ना वो मुझसे चिढ़ने लगी, थोड़ी लड़ाई बहुत शुरू हो गई। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरा फिर क्या हुआ, फिर भी मैं एक दिन का गैप देके फिर मैंने किया, तो करते करते ना मेरा इलेक्शन है ना इजैकुलेशन से पहले लूज़ हो जाता था, यानी इजैकुलेट होने से, सेक्स पूरा होने से पहले मेरा पेनिस लूज़ हो जाता था। तो फिर मैं तुरंत एक उसके पास गया, डॉक्टर महला सबसे पहले इसको ठीक कराऊं, मेरे पास टाइम नहीं था। मैं किसी भी तरीके से जो मेरे को सबसे घर के पास में मिला, कहाँ से हैं आप? मैं आया हूँ आपका वदरपुर से, भदरपुर से, भदरपुर में सबसे पहले गया मैं, मेरे घर के सबसे पास जो ठीक है तो घर के पास जो सबसे क्लिनिक था मैं उसमें चला गया। मगर ये ढूंढने का टाइम है नहीं डॉक्टर कोई, और इतना मेरे पास टाइम भी नहीं है भाई, टाइम भी नाजुक है। तो मैंने उसी से बात करने लगी, उसने क्या किया ना तो कुछ चेक करा ना पूछा क्या हुआ कैसे हुआ। उसने बोल दिया दवाई इतनी महंगी आती है, 8,000 रुपये की, 8,500 रुपये की दवाई आती है और हफ्ते की, मैंने हफ्ते की 8,500 रुपये की दवाई आती है। तो उसने मेरे को 5-6 हफ्ते बुलाया, तो ऐसे करके मेरे 45-46 हज़ार रुपये लग गए। फिर मेरे को ठीक तो हो गया था मतलब कि कुछ दिनों, लेकिन फिर क्या हुआ उसके बाद फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई, दवा बंद करने के बाद फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई। फिर मैं परेशान हूँ, मेरे को पैसे भी नहीं कैसे भी, और फिर मेरी शादी का भी वो टाइम ख़राब आने लग गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च करने लग गया ये करा, तो मेरे को डॉक्टर बी के रॉय जी का वीडियो दिखा। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने जब ये बताया कि क्या बोलते हम दवाई बाहर से लिख के देते हैं, मतलब बाहर से ही मिलती है, क्योंकि मेरे को उस डॉक्टर ने बताया था कि इसका इलाज सिर्फ आयुर्वेद में है, उसने मेरे को ऐसे बेवकूफ़ बनाया। जब मैंने और ज़्यादा रिसर्च किया तो पता चला कि क्या बोलते हैं हर उसमें है, उसने मेरे को बताया खाली आयुर्वेद में और कहीं नहीं मिलेगा, और दवाई भी स्पेशल बनती है, सोने चांदी की भस्म वगैरह पता नहीं क्या क्या मेरे को पट्टी बढ़ा दी। अब बाद में जब पता चला कि फ़ीस इतनी है, बाद में उन्होंने बताया बाहर से दवाई लिख के देते हैं, तो मेरे को पता चला बाहर से तो सस्ती होगी। फिर मैं आया, मैंने इनसे मीटिंग करी, तो उन्होंने मुझे सिर्फ फ़ीस ली बहुत सस्ती और बाहर से दवाई दी, जो कि मात्र एक दिन की टैबलेट 10-12 रुपये की आती थी, 10-12 रुपये की टैबलेट आती थी रोज की, महीने की इकट्ठी ले लेता था मैं, 300 रुपये की महीने की दवाई मेरी पड़ती थी। तो इसमें जो मेरा तीन मात्र दो, और मेरा उन्होंने बाकायदा पूरा टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट किया, मेरा बीपी चेक करा, शुगर वगैरह सारे चेक करके जब पता चला कि कोई, इन्होंने मेरे को ऐसा बताया कि शरीर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, खाम के तुमने दिमाग में पाल रखे। फिर उन्होंने मेरे को काउंसलिंग की, उन्होंने मेरी वीडियोज़ वगैरह दिखाई कि ये सब तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। पहले फिर वो जब दिमाग में कोई प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाएगा, तो बोला नहीं वैसा नहीं है, फिर भी उसके लिए तुम उसकी वजह से ना तुम्हारे पेनिस का ब्लड फ्लो कम हो गया, अब ब्लड फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे को ब्लड फ्लो बढ़ाने की दवाई दी, जिससे कि मेरे को एक ही दिन में आराम मिल गया। वह धीरे धीरे करके उन्होंने मेरे को 2-4 बार बुलाया, तो उन्होंने सबसे बड़ी जो मेरी चीज़ करी कि मेरे दिमाग से डर हटा दिया। फिर बाद में इन्होंने बोला कि अब सब कुछ ठीक है, कभी भी दिमाग में डर मत लाना, उसी की वजह से जो भी हुआ है ठीक हुआ है, सब दिमाग में प्रॉब्लम थी सब कुछ ठीक हो चुका है, तो अभी मैं बेटर फील करूँ। फिर भी मैंने इलाज कंटिन्यू करा कि मैं अपना इलाज, जैसे इन्होंने बताया कि इतने 3-4 महीने इलाज चलेगा, तो मैंने इलाज पूरा कंटिन्यू किया ताकि मैं फ्यूचर में कोई रिस्क ना लूँ। आपने जैसे इनकी कहानी सुनी कि ये जब मैं आप कब आए थे मेरे पास? मैं आया था 1 अगस्त। आप 1 अगस्त आज से करीब आए थे, वे सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कभी 4.5 में पहले। हाँ तो देखो ये लड़का क्या है कि देखिए आफ्टर मैरिज सब ठीक चल रहा था, ठीक है, मन में वहम आने के बाद इसके मन में स्ट्रेस आ गया। जब भी मन में स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेस केमिकल एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन कई स्ट्रेस केमिकल होते हैं जो पेनिस की नसों को श्रिंक करके ब्लड फ्लो कम कर देते हैं, ठीक है, जिसके उसको कड़ापन कम आ गया था। फिर हस्बैंड वाइफ रिलेशन गड़बड़ हो गया तो और स्ट्रेस आ गया, उसे और कड़ापन कम आ गया। फिर नीम हकीम दवा दिया, पैसा ठग लिया, दवा खाया टाइट हो गया, दवा छोड़ा फिर टाइटनेस कम आ गई,
तो इससे और डर बढ़ गया। तो आप सब जान लो कि जब भी लिंग में कड़ापन कम होता है तो या तो हार्मोन कमी होती है, या पेनिस ब्लड फ्लो कम होता है, या लिंग में साइकोलॉजिकल कमी होती है, नसों में कमी होती है, या ब्रेन में सेक्स सेंटर कमी होती है, साइकोलॉजिकल होता है, हार्मोन कमी होती है, सिस्टमिक डिसीज लाइक लीवर किडनी हार्ट प्रॉब्लम हो, कोई ड्रग्स हो, एंटी हाइपरटेंसी हो, एंटी साइकेटिक ड्रग हो, डिप्रेशन एंगजाइटी हो, पेनिस के अंदर कभी ब्लीडिंग हो जाती है, कभी पेनिस के अंदर ब्लड जाके वीनस लीक कर जाता है, कई कारण होते हैं। तो जब भी कोई मरीज को ईडी होता है सबसे पहले प्रॉपर टेस्टिंग करनी पड़ती है कि कारण क्या है, हार्मोन टेस्ट करके, बायोकेमिकल टेस्ट करके, लोकल एग्जामिन करके, पेनाइल डॉपलर टेस्ट करके, पेनाइल पोटेंसी टेस्ट करके, पेनाइल नर्व टेस्ट करके, डिटेल सेक्स काउंसिलिंग, सेक्स थेरेपी एक्सरसाइज करके फिर दवा देनी पड़ती है। अब इनको मैंने दिया ब्लड फ्लो, इनका सारे रिपोर्ट नॉर्मल आए थे, तो इनको पेनिस ब्लड फ्लो बढ़ाने दवा लिखी, उससे पेनिस अब बड़े टाइट हो रहा, लेकिन अभी मन में एक डर है कि अगर दवा छोड़ोगे तो क्या होगा, ये डर है तुम्हारे मन में। हाँ, तो अब मन में अगर अगर इसको ठीक करना है तो परमानेंट ठीक करने के लिए तो सेक्स थेरेपी एक्सरसाइज बताऊँगा आपको, कि अभी दवा बंद करके एक्सरसाइज बताऊँगा, वो करोगे 10 दिन करोगे, उस सेक्स थेरेपी एक्सरसाइज के बाद ये डर हमेशा खत्म हो जाता है और मरीज परमानेंट ठीक हो जाता है। तो आप सब जान लो कि ये प्रॉब्लम परमानेंट ठीक करना है तो पहले कारण जानना पड़ेगा, टेस्टिंग के बाद फिर बेस्ड ऑन दैट ब्लड फ्लो बढ़ाने दवा, अदर मेडिसिन लिखनी पड़ती है, और बाद फाइनली एक बार रिवर्स ये कहना कि फाइनली एक परमानेंट क्योर के लिए सेक्स थेरेपी करनी पड़ती है जिससे प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाए। तो इस प्रॉब्लम के लिए पूरे दुनिया से लोग आते हैं मेरे पास से, आपको गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, सिलचर, आइजोल, अगरतला, कहाँ कहाँ से आते हैं आपको पेशेंट है? इसके बाद सियालदह, तो इसको करना पड़ेगा। प्लस दुर्भाग्य क्या है कि इस बीमारी के लिए नीम हमको डरा देते हैं, तो कभी आप अनक्वालिफाइड डॉक्टर मत जाएं, बिना टेस्ट के दवा न लें, कभी कोई डॉक्टर अपने पास दवा दे वो तो कभी ना लें, हमेशा दवा लिखवा के बाहर से लें जिससे आपको पता क्या दवा खा रहे हैं, ऑथेंटिक दवा होगी आपको, और फिर आप जड़ से ठीक हो पाएंगे। और इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करके, डायग्नोसिस करके पूरी तरह ठीक हो पाएंगे।